हिंदुस्तान रिपब्लिक को एक बुलडोजर रिपब्लिक बनाने की दिशा में वो घुसे। कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी टीम हो, जो बड़ी शान से अपने को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बोलते हैं, तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सियासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सत्ता की बात दूर तो नागपुर के गलियारों से निकलती है, फैसले तो वहां से आते हैं, साजिशें तो वहां तय की जाती हैं, रास्ता तो वहां से दिखाया जाता है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर हम आपको कहते हैं कि आपकी पार्टी अंग्रेजों की दलाली करती रही और आज अमेरिका की दलाली करना चाहती है, तो ये ध्वस्त होती हुई आर्थिक व्यवस्था के का कोई सलूशन है ना उनके पास? नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट जो है तेजी से आगे बढ़ रही है, उसका कोई हल है ना उनके पास? बढ़ती महंगाई को लगाम लगाने के लिए कोई फॉर्मूला है? उनके पास इस देश को देने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल नफरत बांटने के लिए है। तो बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे नहीं चलाए गए, बुलडोजर माइनॉरिटीज के ऊपर ये सोच रख के, ये दिशा रख के, ये समझ रख के, ये डिक्लेयर करके किया गया। सरकार जो है वो विजिलेंटे ग्रुप्स को क्लीन चिट देते हुए, बचाते हुए, शह देते हुए आज इस बुलडोजर वाद पे पहुंच गई है। हिंदुस्तान रिपब्लिक को एक बुलडोजर रिपब्लिक बनाने की दिशा में वो घुसे। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूं साथियों कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी टीम हो, जो बड़ी शान से अपने को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बोलते हैं, तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सियासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी की हुकूमत, अपना एजेंडा जो 1925 में उन्होंने सेट किया, उसी की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी तो पॉलिटिकल विंग है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। सत्ता की बात दूर तो नागपुर के गलियारों से निकलती है, फैसले तो वहां से आते हैं, साजिशें तो वहां तय की जाती हैं, रास्ता तो वहां से दिखाया जाता है। इसलिए मैं अपने सीमित समय में सिर्फ उस तरफ आपका इशारा कर रही हूं। कहत ग्वार ने आरएसएस की फाउंडेशन के टाम पे साफ और स्पष्ट कहा था, जब पत्रकारों ने पूछा कि इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन तीव्रता पकड़ रहा है, जलियांवाला बाग कांड के अंदर नरसंहार हो चुका है, 1920 में असहयोग आंदोलन आगे बढ़ चुका है, उस आंदोलन के बाद आंदोलन वापस लेने पे युवा पीढ़ी निराश हुई, नाराज हुई, आक्रोशित हुई, तो उन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत की। इस पूरे दौर के अंदर पूरा देश चारों तरफ से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो आप ये आरएसएस बना रहे हैं तो आपका मकसद क्या है? हेडग्वार ने कहा, हमारा मकसद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर हम आपको कहते हैं कि आपकी पार्टी अंग्रेजों की दलाली करती रही और आज अमेरिका की दलाली करना चाहती है, तो ये हमारा कथन नहीं है, ये आपके फाउंडर ने कहा कि आपका अंग्रेजों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। उनसे पूछा गया, तो आपका फलसफा क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारी सोच, हमारी समझ फासीवाद और नाजीवाद है। अगर आज हम कहते हैं कि आप फासीवाद और नाजीवाद की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हो, तो ये आपके फाउंडर गुरु ने कहा, और आप अपने गुरु के पदचिन्हों पे चलते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात उनसे पूछी गई कि युवा पीढ़ी तो कुर्बान होने के लिए तैयार है, फांसी के तख्तों पे चढ़ने के लिए तैयार है, तो आप क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? तो हेडग्वार का जवाब था, ये सारे नौजवान भटके हुए हैं। तो याद रखे युवा पीढ़ी, जिनको आप आइकॉन मानते हो, भगत सिंह, सुखदेव को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को, जितेंद्रनाथ दास को, मन्मथनाथ, लाहड़ी, रोशन, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, कितने नाम गिनाए जा सकते हैं जिनको आप आइकॉन मानते हो, आरएसएस की नजर में, उसके फाउंडर की नजर में वो भटके हुए नौजवान थे। उन्होंने कहा, तो फिर मकसद क्या है? मकसद है इस देश में हिंदू राज की स्थापना करना। क्या इनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है। यह हिंदू राज की स्थापना नहीं,
ये एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जहां आरएसएस की डेफिनेशन, जो हिंदुत्व की आरएसएस की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसके अंदर जहां सावरकर ने रास्ता बना दिया टू नेशन थ्योरी कह के हिंदुस्तान को धर्म के आधार पे बांटने का, वहीं उसके साथ साथ गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट लिख के बता दिया कि इस देश के अंदर उनके हिसाब से जो नहीं चलेगा, जो नियम कानून तौर तरीके वो बताएंगे किसको हिंदुस्तान में रहना है, जो नहीं चलेगा वो द्वयम दर्जे का नागरिक होगा। तो गुरु गोलवलकर की किताब उठा के हमें देख लेनी चाहिए कि वो हमें क्या बोलती है। इसलिए साथियों, एक एक कदम, एक एक फैसला, एक एक रास्ता जो समझाया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, और जो प्रचारक भी रहे और वर्कर भी रहे, वो उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये बुलडोजर रिपब्लिक बना रहे हैं हिंदुस्तान को, डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसीलिए उनका एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता फियर सेकोसिस की पॉलिटिक्स जो हिटलर ने और मुसोलिनी ने चलाई थी, उस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता है। आवाम के अंदर, जनता के अंदर, अपोजिशन करने वालों के अंदर वो सीधे सीधे डर और खौफ पैदा करके और बेस बांट करके, लोगों का बंटवारा करके वोट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आज उनके पास ना ध्वस्त होती हुई आर्थिक व्यवस्था के का कोई सोल्यूशन है, ना उनके पास नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट जो है तेजी से आगे बढ़ रही है उसका कोई हल है, ना उनके पास बढ़ती महंगाई को लगाम लगाने के लिए कोई फॉर्मूला है, उनके पास इस देश को देने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल नफरत बांटने के लिए है। इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर वाम पक्ष की ताकतें बहुत दिलेरी से, हिम्मत से हिंदुस्तान के अंदर इसकी अस्मिता को बचाने के लिए, हजारों वर्षों की सांझी विरासत को बचाने के लिए, देश के संविधान की कोर वैल्यूज को बचाने के लिए मैदान में उतर रही है। ये हमारा सोच है, समझ है, आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, रास्ता है, यही एक दिशा है जिसको लेके हम सांस लेते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, चलते हैं, और हर रास्ते पे कुर्बानियों को के रास्तों को लिखने के लिए कभी गुरेज नहीं करते। इसलिए मैं आप सब साथियों को मुबारकबाद इसलिए कही कि आप वाम पक्ष की उस सोच को लेकर के बड़ी हिम्मत से यहाँ पर अपनी अपोजिशन दर्ज कराने आए हैं, सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जो नीतियां इस देश को बंटवारे की तरफ ले जाती हैं। और मेरे पास आंकड़ों के अंबार हैं अगर मैं कहूं कि इन्होंने हमारे देश को कहां पहुंचाया है, समय नहीं है, मैं बोल नहीं सकती उन सब चीज पे, पर मैं सीधा सीधा और स्पष्ट कहना चाहती हूँ, इनकी डराने धमकाने की राजनीति का जवाब ही है डरना नहीं, खौफ नहीं खाना और आवाम के कॉन्फिडेंस को बना करके रखना, यही जवाब है इनका। इनका जवाब है इनसे सवाल करना बेकारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, और लोगों के अंदर जो हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है, जो इस देश की हालात खराब हो रही है, हैरानगी नहीं होगी हिंदुस्तान फिर से उस हंगर इंडेक्स को 102 से फिर और गर्त में आ जाए, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी। इस सारी बैकग्राउंड के अंदर हमारा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देना और चेतावनी देना कि इस तरीके के हथकंडे ज्यादा देर चलने नहीं देंगे। तुम लोगों ने समझ लिया कि अब इलेक्शन जीत लिया यूपी में और उत्तराखंड में, हम सब जानते हैं तुम इलेक्शन कैसे जीते थे, पूरा देश जानता है तुम इलेक्शन कैसे जीते थे, तुम्हारे उन हथकंडों को हम जानते हैं। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम जीत लिए और वहां बुलडोजर दिखाए थे, वहां हम बंटवारा करे थे, वहां हम मुस्लिम्स को रोहिंग्या कहे थे, तो बात तो बहुत सीधी है। दिल्ली में तो बहुत सी कॉलोनीज हैं, 700 से ऊपर कॉलोनीज हैं, जिनको माना जाता है कि वो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है, इलीगल है, और 1700 समथिंग, नॉट 700 समथिंग, 1700 समथिंग। तो फिर इतनी कॉलोनियां हैं
तो आप टारगेट एक जगह पे जाके करते हैं तो इनकी भाषा बताती है कि ये टारगेट किसको कर रहे थे। इन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एक आधी बार सेंटेंस इस्तेमाल किया, इनके नेताओं ने सीधे सीधे किया, कहा कि वहां रोहिंग्यास है और इसके लिए वहां बुलडोजर चलाने, तो बुलडोजर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पे नहीं चलाए गए, बुलडोजर माइनॉरिटीज के ऊपर, ये सोच रख के, ये दिशा रख के, ये समझ रख के, ये डिक्लेयर करके किया गया। और इसीलिए हम भी डिक्लेयर करते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी एयर और पार की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ठीक है, हम तैयार हैं सड़कों पे, लेकिन आपके डरपोक और कायर आरएसएस के लोग अलग अलग नामों और अलग अलग आउटफिट के नाम से केवल और केवल समझते हैं कि सत्ता की शय और पुलिस पीठ के पीछे उनके समर्थन में खड़ी रहे और उनको जो कुछ करने दे। ये जो आपकी डरपोकों की और कायरों की भीड़ है, इससे हम डरते नहीं। इन डरपोकों की और कायरों की भीड़ को हम एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे, इनको पर्दाफाश करेंगे और इस देश के आवाम को समझाएंगे कि हमारा रास्ता अपनी सांझी विरासत को बचाने का है, हजारों वर्षों की सभ्यता को बचाने का है, इस देश के संविधान को बचाने का है और भाईचारे के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए जनता के जो दुखते सवाल हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उनको मुखरित करने का है। इतना ही कहते हुए आप सब साथियों का नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।